हाँ ये तो बढ़ रहा है, ये बात ठीक कह रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सरस्वती पूजा के अवसर पर बिहार के पूर्व मुख्य सचिव अशोक सिन्हा के आवास पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरस्वती पूजा की है और तस्वीरें आप देख भी रहे होंगे। माँ सरस्वती की उन्होंने आराधना की है और कहा है, सभी को शुभकामनाएँ दी हैं, कहा है कि माँ सरस्वती सबको ज्ञान दें और इस दिन सब लोग पूजा इसलिए ही करते हैं। ऐसे में उन्होंने बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। आज बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है, सब लोगों को हमारी शुभकामनाएं, लोगों का ज्ञान बढ़े। आज की ये पूजा क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही होती है पूजा। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हाँ ये तो बढ़ रहा है, ये बात ठीक कह रहे हैं। आप पे चलते हैं, आपने एक बार बोला भी था कि किसी का समय आएगा। आप तो जानते ही बिजली की गाड़ी पर, चूंकि हम लोगों की इच्छा है और खास करके जो पर्यावरण है उसी को ध्यान में रखते हुए कि इस पर चलने से किसी तरह का इम्पैक्ट नहीं होता है, असर नहीं पड़ता है। लेकिन डीजल हो या पेट्रोल हो, उसका वाहन चलता है तो कुछ ना कुछ तो उसका होता ही है, तो सब लोगों को मालूम। अब दाम बढ़ा हुआ है, दाम तो न बढ़े कम हो ये सबको अच्छा लगेगा, लेकिन अभी तो बढ़ा हुआ है, सबको दिख रहा है। अब तो सुना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी चिंता जताई है, हालांकि वो खुद इलेक्ट्रिक कार पर चलते हैं, लेकिन ईंधन के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, एक तरफ जहां व्यवसाय समूह जो है वो नाराज़ है, वहीं ऑटो चालक भी इसको लेकर के नाराज़ हैं, वहीं दूसरी ओर जो आम लोग हैं वो भी बढ़ती महंगाई को लेकर के नाराज़ हैं। कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने सरकार के प्रति आम लोगों की जो नाराज़गी है उसे बढ़ा दिया। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि दाम बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं आम लोगों की वो तो बढ़ती हैं पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि दाम बढ़ रहे हैं, दाम जो है वो घटना चाहिए, लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों ने कहीं ना कहीं आम लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, हालांकि दाम जो है वो कम होना चाहिए। देखने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार जब आज माँ सरस्वती की आराधना कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने सबको शुभकामनाएँ दी हैं और उन्होंने भी कहा है कि दाम कम होने चाहिए, तो क्या दाम कम होते हैं नहीं, क्योंकि एक तरफ जहाँ आम लोगों में आक्रोश जो है वो बढ़ता जा रहा है सरकार के खिलाफ, तो क्या इस आक्रोश का सामना बिहार सरकार को भी करना पड़ेगा। विपक्ष तो खैर तैयार रहता ही है हर वक्त सरकार के खिलाफ आग उगलने को। क्या कुछ कहा है उन्होंने आपने सुना है, तस्वीरें भी आपने देखी हैं, उन्होंने माँ सरस्वती की आराधना की है। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।